इंडिया में इतनी ज्यादा खूबसूरती नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, इंडिया में खूबसूरती हम पर नाजिल हुई है, क्या बात कर रहे हैं। हुई है ना, बनाने वालों ने खूबसूरत पाकिस्तान बनाया है। बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है वहाँ पर। मैं दिल्ली गया हूँ। कब गए थे? हमें पैदाइश मेरी इंडिया की थी, इसलिए मैं इंडिया गई हुई हूँ। अब गई थी इंडिया, छोटी थी जब गई थी। मगर कोई भी जहाज अगर हमारे मुल्क के ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसको हैक करने की पावर भी पाकिस्तान के पास है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, आप मानते हैं? हुआ के नहीं, आजाद हुआ के। आप कैसे कह सकते हैं वहाँ खूबसूरती नहीं है, यहाँ नहीं है? कुदरत वहाँ भी है, यहाँ भी है। का जहाज हैक किया ये बताएं। अभिनंदन, हैक नहीं किया था हमने, वो गिर गया था इधर का वास्ता है। ये ना बोले हैक नहीं किया था हमने। टेंशन क्यों की, माइग्रेशन कैसे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पीछे मेरे डैडी आए थे, हरिद्वार के पास जहाँ हिंदुओं का धान है। अच्छा। वहाँ पे रहते हैं मेरे रिश्तेदार, सलेमपुर गढ़ मुसलमानों का गांव है। ये नालियों में खून जाता है तो उन्हें गुस्सा जाता है, हमारी गौ माता का खून जा रहा है। हमने सोलर पे कन्वर्ट कर दी है गाड़ियाँ, हम पानी से चला रहे हैं। कहाँ चल रही है? चल रही है, टेक्नोलॉजी चल रही है, हो रही है ना, चलेंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह चलेंगी। पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी आएगी, उसको फायदा होगा। कश्मीर में मतलब शहीद कम होंगे लोग। अच्छा, हाँ जी। कश्मीर के बारे में कहाँ से सुना, किसने बताया? स्कूल में ही पढ़ा था हमने, SST में। जबरदस्त। अच्छा, कश्मीर के बारे में क्या बताया जाता है? यही बताया जाता है कि वहाँ पे मतलब मजलूमों की शहीद हो रहे हैं। हाँ जी। और वहाँ पे उनके पास रहने के लिए घर मतलब कम हो रहे हैं, बहुत सी वहाँ पे शहीद हो रही है। तो पुरानी किताबें हम आज भी पढ़ रहे हैं, तो कौन सा टैलेंट आएगा हमें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं जूम क्लासेस लेती हूँ ऑनलाइन। वैसे मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मुझे नहीं लगता। आपको सही लगता है? हाँ, मुझे सही लगता है, मेरे हिसाब से मुझे सही लगता है। क्यों नहीं कर रहे हम तरक्की? अभी तक हमने क्या बनाया अपना? अभी तक मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई होंगी, कुछ ज़्यादा नहीं। कौन सी चीज़ें? ये तो मुझे नहीं पता। आपका नाम? मेरा नाम सलीम खान है। बिल्कुल सही अंकल जी। सवाल बेसिकली मेरा ये है कि तालीम का निज़ाम पाकिस्तान में कैसा है? तालीम का निज़ाम ये है, जो प्राइवेट स्कूल है ना, इसमें तालीम कोई मियार की नहीं हो रही। अच्छा। मेरे बच्चे आज 10 साल के हो गए, एक और एक 12 साल की लड़की हो गई, और आखिर टीचरों ने कहा कि जी लड़की को ले जाएं आप, हम फीसें भर रहे थे उसकी, 5-7 साल तक हमने फीसें भरी हैं। अच्छा। कोई इल्म नहीं, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया हमें कि आपके बच्चे इस काबिल नहीं है। हमसे फीसें ले लेके जेब में रखते रहे और हम परेशान हो गए, अब मेरी बच्ची घर बैठी है। भैया मुझे बताइएगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें तो इस टाइम कौन तालीम में आगे है? हिंदुस्तान आगे है या नहीं? हिंदुस्तान तालीम में आगे है। कैसे आगे चला गया वो? उन्होंने अपनी एजुकेशन को हाई किया हुआ है। हाँ। इस वजह से बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है वहाँ पर। मैं दिल्ली गया हूँ। कब गए थे? अमृतसर ये 87-88 में। क्या निज़ाम था वहाँ पे? वहाँ पे निज़ाम बड़ा अच्छा था, बड़ी दुनिया बहुत है वहाँ पे, और फिर तालीम का मियाद बहुत अच्छा है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं खूब, और स्कूलों में वजीफे मिल रहे हैं सरकारी स्कूलों में। मेरी खाला की लड़की पढ़ती थी, वजीफा मिलता था उसे। अच्छा, मतलब आपकी वहाँ पे रिलेटिव्स हैं? पैदाइश मेरी इंडिया की थी। अच्छा, तो माइग्रेशन क्यों की, माइग्रेशन कैसे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पीछे मेरे डैडी आए थे, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। क्या आपको लगता है आज के पाकिस्तान में आए और आज यहाँ के बच्चे बाहर जाना चाहते हैं? पढ़ लिख के यहाँ रेडियो लगाई, छाबड़ियाँ लगाई हैं बच्चों ने, बच्चे सौदा बेच रहे हैं, कोई पकौड़े बेच रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, नौकरी पैसे लगता है, रेलवे में पैसा, हर चीज में पैसा। ये वीडियो देखिएगा, ये लड़का है रिक्शा चलाता है, इंग्लिश में बात कर रहा है, ये घोड़े आए हुए हैं, उनको समझा रहा है कि भाई यहाँ यहाँ यही कुछ है, यहाँ यहाँ विजिट कर सकते हो, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, तो इंग्लिश में बात कर रहा है। इंग्लिश में बात, दिल्ली खुद देखी मैंने 8-10 दफा, दिल्ली देखा है ना 10 दफा। वीजा पासपोर्ट मेरे रिलेटिव थे ना, खाला मेरी, खाला उधर सहारनपुर में थी, फौत हो गई, और खाला की लड़की भी थी, मैं वहाँ पे जाता हूँ अभी अभी। मेरे काफ़ी रिश्तेदार मामू के बच्चे हैं मेरे, मेरी माँ अकेली पाकिस्तान आई थी। अच्छा। वालिद साहब के साथ। अच्छा। और अपने बहन भाई लाया था मेरा वालिद, तो यहाँ ग्वालमंडी में हम रिहाइश पजीर थे। अच्छा। अब मैं गजुमते जा रहा हूँ। आपके रिश्तेदार क्या बोलते हैं इस टाइम, हमारी हालात देख के, पाकिस्तानियों के आप लोगों से बातें होती हैं तो क्या हालात देखने के बाद? हम बेहतर हैं वहाँ पे। हाँ जी, अभी मेरी गाँव में बात होती है वहाँ। हाँ जी, वहाँ मेरी बात होती है गाँव के अंदर, हरिद्वार के पास जहाँ हिंदुओं का धान है। अच्छा। वहाँ पे रहते हैं मेरे रिश्तेदार, सलेमपुर गढ़ मुसलमानों का गांव है। हाँ। वो कहते हैं हम कैमरे बनाते हैं, ये कैमरे जो लगे हुए यहाँ पे, ये कारोबार कर रहा करो, खुशहाल हम तो। हाँ। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का क्या है, हमें तो बताया गया इंडिया में हिंदू सब इकट्ठे हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, आपस में रिश्तेदारियाँ वो करते हैं, क्या नाम है, खाना पीना इकट्ठे ही, ब्याह शादियों में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान हिंदुओं के जाते हैं। हिंदू मारते नहीं है? क्या अलग अलग घर, उनकी अलग कॉलोनी अलग, इनकी कॉलोनी अलग। हाँ, पर भी है हिंदू बड़े दूर के बाद में कभी होता है कोई मसला थोड़ा बहुत,
ये नालियों में खून जाता है तो उन्हें गुस्सा जाता है, हमारी गौ माता का खून जा रहा है। रिलीजियस है ना वो, तो वो उस वहाँ पे देखिए चीज, बड़ा प्यार बहुत है इंडिया में, लोग चिपटते हैं आदमी पाकिस्तान से। ये हम सब जानते हैं कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कितना तरक्की कर गया है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कितना तरक्की कर गया है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भारत पेट्रोल डीजल लिथियम आयन बैटरी से जान छुड़वा रहा है और उसी के साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियों को प्रमोट करने वाला है, सोडियम आयन बैटरीज बनाने वाला है, नमक से चलने वाली गाड़ियाँ भारत बनाने वाला है। इससे पहले चाइना ने भी ये टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की, लेकिन भारत जो टेक्नोलॉजी बनाने वाला है, जो सोडियम आयन बैटरीज बनाने वाला है, नमक से चलने वाली गाड़ियाँ बनाने वाला है, वो चाइना से भी ज़्यादा मजबूत होने वाली है। आप कहीं भी वर्ल्ड वाइड उसको कंपेरिजन में ले जाएँ तो पाकिस्तान के अंदर हर तरह का टैलेंट यंगस्टर्स में मौजूद है। किसी पाकिस्तानी को किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बिठाया नहीं जाता। अगर जॉब कहीं हम लोग जॉब के लिए जाएं सामने इंडियन हो तो पाकिस्तानी को देखा भी नहीं जाता। ये कैसा टैलेंट है? इसलिए कि देखें हमारे यहाँ जो है ना वो चीज़ें जो बेस करती हैं वो करप्शन पे भी हैं, तो जहाँ पे फेयर मीन्स नहीं होंगे और जहाँ सिलेक्शन का क्राइटेरिया आएगा तो फिर जहाँ पे उनको बेटर चॉइस मिलेगी वो उसको चूज़ कर लेते हैं। वैसे मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मुझे नहीं लगता। आपको सही लगता है? हाँ मुझे सही लगता है, मेरे हिसाब से मुझे सही लगता है। क्यों नहीं कर रहे हम तरक्की? अभी तक हमने क्या बनाया अपना? अभी तक मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई होंगी, कुछ ज़्यादा नहीं। कौन सी चीज़ें? ये तो मुझे नहीं पता। कोई चीज़ नहीं हमने अपनी बनाई, सुई तक बाहर से आती है हमारी, तो वही ना पाकिस्तान कोई तरक्की नहीं कर रहा। हमारे पास इतना ध्यान नहीं, इतना अक्ल नहीं है ना कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा। साइंस नहीं हमारे पास, जब हमारे पास साइंस होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन पाकिस्तानी साइंस को मानते भी तो नहीं है। साइंस को मानना पड़ेगा, जब तक साइंस को नहीं मानोगे तो कैसे चलोगे आगे? जापान मान रहा है, चाइना मान रहा है, इंडिया मान रहा है, जब वो मान रहे हैं आबादी में कितना आगे चले गए हैं, हर एक काम में वो हमसे आगे हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंस नहीं है। साइंस होगी तो टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी में इजाफा होगा, आबादी में इजाफा होगा, बाहर से लोग आएंगे हमारे पास। पाकिस्तान है एक खूबसूरत मुल्क है, लेकिन ये ख्वाब जो है वो कब तकमील तक पहुँचेगा? हमारे मुल्क में तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो काबिल दीद देखने आए लोग। बारे में क्या कहेंगे? नमक से बनने वाली गाड़ियाँ और नमक से चलने वाली गाड़ियाँ बनाने लगे। बस जी, मैंने आपको पहले बताया वो एक आबादी के लिहाज से भी वो हमसे आगे है। तरक्की में प्रोग्रेस में कहाँ है? हमसे तो आगे है, हमसे आगे है। आगे कैसे वो आगे निकल गए? बस उनके पास अकल है, जहन है, उसलिए वो आगे है। जहन आपको क्या लगते हैं वो कोशिश करते हैं? इंडिया में इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया में खूबसूरती हम पर नाजिल हुई है, क्या बात कर रहे हैं? हुई है ना, बनाने वालों ने खूबसूरत पाकिस्तान बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है। पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, आप मानते हैं? हुआ के नहीं, आज़ाद हुआ के। आप कैसे कह सकते हैं वहाँ खूबसूरती नहीं है, यहाँ नहीं है? कुदरत वहाँ भी है, यहाँ भी है ना, लेकिन वो देखें उधर कम मुसलमान है, इधर ज़्यादा मुसलमान है। खूबसूरती है तो खूबसूरती की बात नहीं है, एक अकल भी होनी चाहिए। वो उधर कम मुसलमान है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आबादी के लिहाज से भी। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पर शरीयत तो है नहीं, शरिया लॉ तो है नहीं, कैसी बातें करते हैं, कौन सा इस्लामिक कंट्री? ये बात तो आपकी ठीक है, मेरे साथ तरक्की पे इकोनॉमी पे बात करें ना, हम हर चीज़ में रिलीजन को क्यों ले आते हैं? आपकी बात ठीक है, बिल्कुल मानते हैं अच्छा खासा। कौन जानता है? पूरी दुनिया जानती है। यूएई ने हमारे 24 शहरों को बैन किया है, हमने वीजा नहीं देने। 2024 स्टार्ट हुआ, उन्होंने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है। सऊदी अरेबिया, सुनिए, सऊदी हुक्मरानों पे बात ना करें, अभी मेरी बात सुन ले। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है, ग्रीस से निकाला जा रहा है, तुर्की से निकाला जा रहा है, क्या पीछे रह जाता है बताएं? तो इनको सोचना चाहिए ना कि हमारे में क्या कमी है। या अगर कोई दूसरे ममालिक का कोई भी जहाज़ अगर हमारे मुल्क के ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसको हैक करने की पावर भी पाकिस्तान के पास है। किसका जहाज हैक किया ये बताएं? अभिनंदन हैक नहीं किया था हमने, वो गिर गया था ना का वास्ता है, ये ना बोले हैक नहीं किया था हमने, गिर गया था जहाज़ में, पकड़ा था उसे, पकड़ा था, बाद में बड़ी इज्जत से प्रोटोकॉल से वापस भी जाता ड्यू टू प्रेशर, अपर प्रेशर। ऐसे ही है बस, ये लोग अपने मुल्क की तरफ अगर तवज्जो दे ना, अपने एक मियार बना ले, अपना एक असूल बना, स्टैंडर्ड बना ले कि भाई हमने इससे नीचे नहीं आना, तो फिर पाकिस्तान का कोई एक नाम या उसकी पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है। एटमी धमाका जो किया गया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरफ से, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ बनाया था, हेल्प की थी ना, लेकिन उस बंदे का एक नाम है मोहसिन पाकिस्तान है वो बंदा, लेकिन उसमें नवाज शरीफ ने भी बड़ा उसमें अहम किरदार अदा किया, उसमें भी प्रेशर बहुत था। लेकिन अब मैं कह लूँ कि उन लोग का दिल पाकिस्तान की तरफ थोड़ा शायद कम हो चुका है, अभी भी प्रेशर आया तो वो प्रेशराइज हो जाता है। क्या बात है, नहीं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना तरक्की में जिसमें हमारा नाम हो दुनिया के, वाह भाई पाकिस्तान टेक्नोलॉजी से भरपूर रहेगा। अगर हम भारत की बात करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी देखिए, अब नमक से चलने वाली गाड़ियाँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, उनके बारे में आप क्या कहें? ये उनकी एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे ज़खायर है, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो देता। इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है कि इंडिया कैसा है? दुश्मन है हमारे, बस यही दुश्मन है, यही ज़्यादातर मतलब होता है स्कूल में।
तो आपने कभी टीचर से पूछा नहीं कि इंडिया हमारा दुश्मन क्यों है? नहीं, पूछना चाहिए ना। हाँ जी, पूछूंगा। और घर में क्या बताया जाता है? घर में तो बस यही कि दोनों मतलब पहले दोस्त थे, मतलब सही आपस में अंग्रेजों के साथ हमने फाइट की थी, बस सही। अच्छा, आप चाहते हो कि इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए। क्या फ़ायदा होगा अगर इंडिया के साथ हमारी दोस्ती हो जाती है तो? इससे कश्मीर को फ़ायदा होगा, कश्मीर में मतलब शहीद कम होंगे लोग। कश्मीर के बारे में कहाँ से सुना, किसने बताया? स्कूल में पढ़ा था हमने, SST में। ज़बरदस्त। अच्छा, कश्मीर के बारे में क्या बताया जाता है? ये बताया जाता है कि वहाँ पे मतलब मजलूमों की शहीद हो रहे हैं,